कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। मैंने शिप में जॉब किया, मुझे फ्रेंच शेफ्स के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे फ्रांस घूमने का मौका मिला, बहुत ही मज़ा आया। और फ्रांस का जो आपको फूड और वहाँ का जो कल्चर, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मेनली वहाँ का खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो खाने की अगर हम लोग शुरुआत बोल दीजिए और जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं वो फ्रांस की पढ़ते हैं। अब तक भी हमारे जब कलनरी स्टार्ट होती है, हम लोग कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो बुक्स हैं मेनली फ्रेंच में भी होती है। इवन होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं फ्रांस में की लैंग्वेज भी सीखते हैं, इवन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा वो सिखाई जाती है। तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि फ्रेंच कुजीन का महत्व तो बहुत ज़्यादा है हमारे कलनरी में। और मेरे जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो भी चीज़ें वहाँ सीखी, मैं आपको वो शेयर करूँगा। पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्ज़ूमे के बारे में। कॉन्ज़ूमे एक टर्म है, या आप इसको एक सूप बोल सकते हैं, जो कि फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब जो ये फ्रांस है हमारा, ये भी हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर ही आता है, क्योंकि ये हमारे जो यूरोपियन महाद्वीप कह लीजिए उसके अंदर ही आता है। अब जो कॉन्ज़ूमे है ये हमारा बहुत ही फेमस आप बोल दीजिए, और बहुत सारे शेफ्स लोग इसको ट्रायल में जाके बनाते हैं। पर आपको कई सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये ही पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कॉन्ज़ूमे है क्या, और अगर आपका कॉन्ज़ूमे अच्छा बन जाए तो आपको ट्रायल में पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इवन फ्रांस के जितने भी खाना है उनमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो है। वहाँ की वाइन हो ले लीजिए आप, वहाँ के आप बटर ले लीजिए, वहाँ के इंग्रेडिएंट ले लीजिए जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और उनसे जो खाना बनता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। इवन उनके जो डिशेस के प्राइस होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कॉन्ज़ूमे के बारे में। कॉन्ज़ूमे मैंने आपको बता दिया ये एक सूप ही है, और जो हमारे चार प्रकार के सूप थे, थिन, थिक, कोल्ड, इंटरनेशनल, उसमें से ये हमारा थिन वाली कैटेगरी में आता है। थिन का मतलब है हमारा एक प्लेन पतला पानी जैसा सूप, तो ये भी इसी प्रकार का होता है। पर इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है हमारा स्टॉक। जी हाँ, हमारा स्टॉक। अब जो ये कॉन्ज़ूमे किसी भी का आप कह लीजिए, हो सकता है चाहे वो चिकन का हो चाहे बीफ का हो, पर मेनली वहाँ पे हम लोग बीफ कॉन्ज़ूमे ही इस्तेमाल करते थे। अब आपको करना क्या होगा, आपको अगर मंडे को अपना आपको कॉन्ज़ूमे बनाना है तो आपको एक दिन पहले अपना स्टॉक बना के रख लेना होगा, और आपको उस स्टॉक को अच्छे से छान के आपको फ्रिज में ठंडा कर लेना है। और आपका जो स्टॉक है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं होने चाहिए। आपको ये प्लेन स्टॉक बनाना है, आपको ब्राउन स्टॉक या आपको रोस्टेड वाले वेजिटेबल या बोन्स वाला नहीं बनाना है। तो आपका जो प्लेन वाइट स्टॉक होगा उसको आप छान के फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आपको इसको रख देना है। और दूसरा इसमें आपका क्या है, आपके जो कि आपके जो आपके चिकन बोल दीजिए या बीफ बोल दीजिए, उसकी जो आपकी जो कीमा है उसको कीमा कर लेना है आपको उसके मीट का, और उसको साइड में रख लेना है। अब आपको आप एक क्वांटिटी बोलेंगे, अगर आपके पास 1 लीटर स्टॉक है तो आप अराउंड 225 ग्राम आप लोग कीमा ले सकते हैं। अब आपको इस कीमे के अंदर आपको डालना है लीक्स, सेलरी, कैरेट, ये आपकी जो मेन वेजिटेबल है। इन सब्जियों को भी आपको अच्छे से चॉप कर लेना है। आप चाहे मशीन का सहारा ले सकते हैं या आप हाथ से चॉप कर सकते हैं। अब आपको इस जो कीमे के अंदर इन सब्जियों को ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आप इसमें डाल सकते हैं अपने बे लीफ, क्लोव्स, पेपरकॉर्न्स, ड्राई हर्ब्स। हर्ब्स में आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हर्ब्स नहीं डालनी है, और थोड़ा सा सॉल्ट। जब ये आपस में आपका अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आपको इसमें डालना है अंडे। आपका मान लीजिए अगर आप 1 लीटर स्टॉक ले रहे हैं और 225 ग्राम आप लोग कीमा ले रहे हैं, तो आप 4 से 5 अंडे डाल सकते हैं। आपकी जो रेसिपी है वेरी करती है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। मैंने जो सीखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। किसी किसी बुक में मैंने देखा उन लोगों ने प्याज का इस्तेमाल किया है, टमाटो का इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है। मैंने वहाँ पे उनके शेफ़ लोगों के साथ ऐसा नहीं सीखा, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ इसमें प्याज या टमाटर डालने के लिए। पर आप हो सकता है आप कहीं बना रहे हो या आपको किसी ने शेफ़ ने बोला हो तो आप उसमें डालें। तो ये हो गया आपका मिक्सचर रेडी। आपने अब इसमें डालने हैं अंडे। आप एग वाइट भी डाल सकते हैं या फिर आप पूरा अंडा भी डाल सकते हैं। आप इसको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इवन आप चाहें तो उसमें थोड़ी बर्फ़ भी डाल सकते हैं, ताकि जो आपका अंडा है, आपका मीट है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको ये थोड़ा अजीब सा लगेगा देखने में जो ये है,
जो मिक्सचर आपका बन जाएगा, पर कोई बात नहीं। अब आपको जब ये आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो आपको जो आपका स्टॉक है, स्टॉक और जो ये कीमा है दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। फिर से आप चाहे तो विक्स से उसे अच्छे से हिला सकते हैं ताकि पानी के साथ ये अच्छा मिक्स हो जाएगा। और जो आपका जो पानी का कलर बहुत ही गंदा सा हो जाएगा, आप बोलेंगे ये क्या बन गया, पर ऐसे ही ये बनेगा क्योंकि ऐसे ही यूनिक तरीके से हमारी फ्रेंच की डिशेज बनती है। अब आपको करना क्या है, आपको इसको अपने एक पतीले में लेना है या एक पॉट में लेना है और आपको चढ़ा देना है उसे फायर के ऊपर। और आपकी जो फायर होगी बहुत ही तेज होगी, आपको उसकी तेज फायर रखनी है। आप देखेंगे धीरे धीरे जो स्कम है ऊपर, झाग ऊपर आ गया और एक मोटी सी परत बनने लग जाएगी आपकी। आप 5 से 7 मिनट कीजिए या उससे पहले भी, आप जिस हिसाब से आपकी क्वांटिटी है उसके बाद आपको स्लो कर देना है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे एक मोटी लेयर आपकी ऊपर जमने लगी है मीट की। और तो आपको इस टाइम क्या करना है, आपको जो प्याज लेने हैं अपने प्याज को स्किन के साथ स्लाइसेस काटने हैं। आपको किसी भी तवे या हॉट प्लेट पे उसको आपको रोस्ट कर लेना है। ब्राउनलिश कलर आ जाता है आपके प्याज पे, वही आपको अपने जो मीट के पार्ट के ऊपर रख देना है। उससे क्या होगा, आपके कॉन्ज्यूमे में बहुत ही एक अच्छा ब्राउनिश कलर आएगा। और आप इसको कम से कम 30 से 35 मिनट तक पकाइए अगर चिकन है। अगर आपका व्हील है तो आप और भी ज़्यादा जा सकते हैं। और आपने अगर मान लीजिए 1 लीटर लिया है तो आपको लगभग 250 से 300 ग्राम ही प्राप्त होगा। तो आपको उस हिसाब से अपनी जो क्वांटिटी है वो लेनी है स्टॉक की। लास्ट में आपको उसको छान लेना है, पर आपको इसको बीच में फिर से मिक्स नहीं करना है। अगर आप मिक्स करेंगे तो जितना भी जो आपकी जो स्कम ऊपर जमा है, जो मीट के पार्टिकल्स हैं आपके, टूट जाएंगे और आपका जो जो कॉन्ज्यूमे है उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो आपका जो कॉन्ज्यूमे लास्ट में बन के आएगा वो होना चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अगर आप किसी चाइना बोल में उसको रख रहे हैं तो जो उसकी तली है बोल की आपको नज़र आनी चाहिए। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक पहले प्रैक्टिसेस क्या होती थी, जब लोग हम अंडे डालते थे तो अंडे को हम लोग धो के छिलके के साथ ही डाल देते थे। और वो छिलके के अंदर भी, क्योंकि जो कि हमारा प्रोटीन होता है उसमें भी आपस में जो मीट होता था वो चिपक जाता था। पर अब हाइजीन पर्पज़ से या फूड सेफ्टी पर्पज़ से वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाती है, तो आप भी मत कीजिएगा। ये पुरानी बातें थी, मैंने आपको बताई क्योंकि आपको भी पता लगनी चाहिए। तो अब आपका जो जो रेडी हो जाएगा, आप इसको अगर टेस्ट करेंगे तो आपको जो स्टॉक है वही फ्लेवर आएगा, पर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपका होगा और आप जज कर पाएंगे कि स्टॉक के अंदर क्या कमी थी। तो आपका जो सेकंड जो स्टॉक के बाद जो बन गया वो है हमारा कॉन्ज्यूमे, बट इसका कलर आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। अब आप इस स्टॉक को चाहे तो ठंडा या गर्म दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ढेर सारे वेरिएशंस करके, चाहे आप पैनकेक हो गया, आप पैनकेक की जूलियन डाल के आपको इसको सर्व कर सकते हैं जिसको कि हम लोग कॉन्ज्यूमे सेलेस्टीन बोलते हैं। चाहे आप इसमें ब्रुनवास वेजिटेबल ब्लांच करके डाल सकते हैं, कॉन्ज्यूमे ब्रुनवास हो जाएगा। आप कॉन्ज्यूमे रोयाल बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे वेरिएशन हैं जो कि आप लोग पता लगा सकते हैं, या मैं आने वाली वीडियोज़ में उनको भी कवर कर दूंगा। तो इस प्रकार से आपका जो कॉन्ज्यूमे रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं एज अ कोल्ड सूप, पर जो ये होता है ये बहुत ही आपका टेस्टी होता है। अगर आप इसको थोड़ा फ्रिज में भी रख देंगे तो ये थोड़ा आपका जेरी जैसे जमने लगेगा, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा होता है। पर आपको ये एक टेक्निकल आपके स्किल्स चाहिए आपको इसको बनाने के लिए। अगर आप इसको एक अच्छा बना लेते हैं तो आप एक अच्छे फ्रेंच शेफ़ के आपके अंदर गुण हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा अपने कॉन्ज्यूमे को अच्छे से सिमर करने का। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है जब भी इसको बनाना है। और अब तो कई सारे वेरिएशन है, जैसे कि हमारा टोमेटो कॉन्ज्यूमे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस हो रखा है इंडिया में, वो लोग बनाते हैं। आप लोग आपका मशरूम कॉन्ज्यूमे है तो लोग वेराइटीज़ ला रहे हैं, पर जो बेसिक है वो यही है किस प्रकार से उसको क्लियर करना है। आप चाहें तो बाकी जो मेरी वीडियोस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, मैं बताता रहता हूँ फ्रेंच कुजीन के बारे में या किसी भी प्रकार की कुजीन के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। और इसका जो पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो 140 ml करीब, आप 200 ml से थोड़ा सा कम हम लोग इसको सर्व करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, यकीन मानिए। अगर आपने एक परफेक्ट कॉन्ज्यूमे बनाना सीख लिया, उसे ट्रायल में जाके दिया, तो आपको ट्रायल पास, आपका ट्रायल फेल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरा ये वीडियो मैं अब यहीं ख़त्म करूँगा, तो प्लीज़ इसे आगे शेयर कर देना। बहुत ही अच्छा नॉलेज है फ्रेंच कुजीन के बारे में,
ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस बारे में पता चल सके। बाकी अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, मेरी बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप उनको डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपने पास रख पाएंगे। मुझे नए टॉपिक्स के लिए सजेस्ट कर देना कि आपको किन नए टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, मैं वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पे बनाता हूँ जो कि आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।